प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले एक बात कह गए थे कि तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, मैं किसी दिन या किसी घड़ी भी आ सकता हूँ। वह घड़ी आज की भी हो सकती है, उठते बैठते किसी दिन किसी वक्त की भी हो सकती है, क्योंकि यीशु ने कहा था एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उस रात दो मनुष्य एक खाट पर सोते होंगे, एक को बदल कर उठा लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। आज के इस समय में बहुत सारे मसीही भाई बहन वे अपनी तैयारी नहीं बना रहे हैं, वे अपनी तैयारी बनाने के बजाय मस्ती में डूबे हैं, सांसारिक चीज़ों में, सांसारिक कामों में मन लगा रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम तैयारी कहाँ बना रहे हैं? तैयारी नहीं बना रहे हैं, मस्ती में डूबे हुए हैं, पाप के गुलाम बन चुके हैं। याद रखना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, गुटखा बीड़ी तम्बाकू नशा नशा करने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं पाप भी करूंगा और मैं स्वर्ग भी चला जाऊंगा। नो, आप गलत हो, क्योंकि जहां पर यीशु मसीह रहते हुए जगह पवित्र है, वहां सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। समय कम है, दिन बुरे हैं, समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं। सुधर जाओ और बचा लो अपने आप को, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो उसी को लेकर जाएगा जो पवित्र होगा, जो इस संसार से निष्कलंक होगा, जो धर्मी होगा, जो यीशु मसीह के योग्य होगा, उसी को यीशु मसीह बदल कर लेकर जाएगा। इब्रानियों 10:26 में लिखा हुआ है कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए उसके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो ना और आग का ज्वलन बाकी है। अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा है भैया व्यभिचार नहीं करने का, अगर फिर भी हम ऐसा पाप करते हैं तो हमारे पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है, उसके लिए कोई बलिदान नहीं है, सिर्फ उसके लिए एक ही रास्ता है और वो है नर्क की आग। अगर आप पाप कर रहे हो, अभी आपके जीवन में पाप हैं, तो आज आपको यीशु मसीह से बोलना, अपने घुटने टेके बैठ जाएंगे और यीशु मसीह से अपने पापों को मान लेंगे, उन्हें छोड़ देंगे, यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर देगा। आशा करते छोटा सा संदेश आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।